फिर से आपका सबका स्वागत है प्रभु का धन्यवाद और फिर से एक बार परमेश्वर ने उसके बाइबल के वचनों को देखने के लिए आपको और मुझे इकट्ठा किया है और जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आशा करता हूं कि परमेश्वर हमारे जीवन में एक बड़ा काम करेगा उसके वचनों के द्वारा परमेश्वर हमको आगे बढ़ाएगा और एक प्रौढ़ता तक आपको मुझे वो लेकर जाएगा प्रभु की ये इच्छा है कि आप और मैं वचनों के अंदर एक प्रौढ़ व्यक्ति बन जाए तो आइए वचनों को देखने से पहले हम परमेश्वर के हाथों में आ जाए और प्रभु के हाथों में आकर प्रभु से प्रार्थना करें और प्रभु को कहें कि प्रभु मेरी आत्मिक आंखों को मनों को फिर से एक बार खोल दे और जैसा तू चाहता है वैसा मेरे जीवन में तू कर तो आइए प्रार्थना करें प्रभु फिर से एक बार हम आपका धन्यवाद करते आपकी स्तुति करते आज के दिन के लिए और जब आप हम आप हमें जब प्रभु आपके वचनों में सिखा रहे हैं पवित्र आत्मा आप हमारे उत्तम शिक्षक हैं आप आइए हमें समझाने के लिए हमारी आत्मिक आंखों को खोल दीजिए प्रभु जी हम आत्मिक रीति से प्रभु आगे बढ़े प्रभु जी इसलिए आपके प्रकाशन की ज़रूरत है हमें हम चाहते हैं प्रभु जी आपका प्रकाशन हमारे अंदर आए और हमारे अंदर और प्रकाशित होता चला जाए जिससे कि पिता इस संसार में जब हम चल रहे हैं प्रभु जी हर हर एक कदम पिता वचनों से हमारा प्रकाश में हो जाए और हम आगे बढ़ते चले जाएं धन्यवाद देते हैं हैं आपकी स्तुति करते समय के लिए के लिए नाम से मांगते तो दोस्तों आप जब हम बाइबल के वचनों को देख रहे हैं तो हम प्रकाशित वाक्य सत्रह अध्याय में हम आ चुके हैं और जब हम परमेश्वर के वचनों को जब हम देख रहे हैं तो हमने पिछली बार पंद्रह अध्याय को देखा सोलह अध्याय में हम ने पहले भी देख चुके हैं जब हमने पर जो सात इक्कीस पीड़ाएं जो हमने पिछले वीडियो में हमने दिखाया है हमने उसके बारे में चर्चा की है उसके बारे में सीखा है तो सोलह अध्याय को हमने वहां पे कवर कर लिया है तो आप अगर नई रीति से इसको देख रहे हैं तो आप इसको पीछे वीडियो में जाकर आप इसको देख सकते हैं तो अब सत्रह अध्याय में हम आ चुके हैं तो सत्रह अध्याय जो है प्रकाशित वाक्य का सत्रह अध्याय हम इस विषय को लेकर चल रहे हैं कि ये मसीह जब आएंगे आने के बाद में इस संसार के ऊपर क्या घटनाएं घटित होंगी और मसीह जब उसके को बादलों पर उठा ले जाएंगे तो उसके बाद में क्या क्या चीजें इस इस पृथ्वी पर होगी इस बात को हम देख रहे हैं तो अब प्रकाशित वाक्यों की किताब में हम सत्रह अध्याय में आज हम पढ़ने वाले हैं उसके ऊपर मनन करने वाले हैं तो आइए जो सत्रह अध्याय है उसके अंदर हम एक चीज को देख रहे हैं यहाँ पर हेडिंग है बड़ी वेश्या का और वेश पर सातवें कटोरे के ऊंडे ले जाने के बाद एक स्वर्गदूत ने यहुन्ना के पास आकर उसे एक बड़ी वैश्य का दंड दिखाने के लिए बुलाया ऐसा वहां पर हमें दिखाई देता है और ये बड़ी वैश्य कौन है इसके बारे में हम थोड़ा सा देखने वाले हैं जो स्वर्गदूत ने योहनो को बताया कि पृथ्वी के राजाओं और पृथ्वी के रहने वाले अनेकों लोगों ने इस वैश्य के साथ किया है दस बातें इस अध्याय में वैश्य के विषय में पाई जाती है पहली बात है उसको वैश्य कहा गया है दूसरी बात है उसको सार्वभौमिक प्रभुत्व उसको यहाँ पर मिला है तीसरी बात उसकी सवारी है चौथी बात वो बहुमूल्य पहरावा को पहने हुए है पांचवी बात उसके हाथों में सोने का कटोरा है छठी बात वो भेद है वो बड़ा बाबुल है सातवी बात वैश्यों और घृित वस्तुओं के माता ऐसा उसको कहा गया है पवित्र लोगों का लहू पीने से वो मतवाली हो गई है और सात पहाड़ यहाँ पर दिखाया गया है और बड़ा नगर यहाँ पर दिखाया गया है अब बड़ी वैश्या जो है ये जो वैश्या है ये वेश्या जो है बड़ी ये पानी पर बैठी हुई है ऐसा यहाँ पर कहा गया है पहला वचन के अंदर तो ये वेश्या कौन है इसको जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है महत्वपूर्ण है अब वैश्य के रूप में इसको कहा गया है ये वैश्य जो है ये पानी पर बैठी हुई है अगर इसी वचन को हम पढ़ते हैं अध्याय पंद्रह वचन के अंदर प्रकाशित वाक्य में तो यहाँ पर जो वो पानी पर बैठी है वो किसका दर्शक है यहां पर हमें बताया गया है सत्रह अध्याय पंद्रह वचन में लिखा है बहुत पानी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। वे कौन है पानी वे लोग हैं भीड़ है और जातियां हैं और भाषाएं हैं उसका जल पर बैठना दिखाता है कि वह इन सब बातों पर शासन करती है ये सब उसके गुलाम है ये जितने भी मतलब ये लोगों को दर्शाया गया है ये पूरी पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं ना जितनी भी जातियां हैं ना जितने भी भाषाएं हैं ना, है ना उनके ऊपर ये शासन करने वाले हैं मतलब आने वाले दिनों में एक ऐसा राज्य आने वाला है जिसका एक ही शासक होगा ये ये पूरी दुनिया के लोगों को कंट्रोल कर, कर करने वाला है एक ही शासक होगा जो पूरी दुनिया को अपने हाथों में वो नियंत्रण करेगा इसलिए यहाँ पर लिखा गया है वो पानी पर बैठी हुई है और यहाँ पर हम वचन में देखते हैं सत्रवा अध्याय अठारह वह स्त्री जिसे तूने देखा है वे बड़ा नगर है यहाँ पर नगर के बारे में बात किया है जो पृथ्वी के राजाओं पर राज्य करता है मतलब ये एक ऐसा एक एक शासन होगा ये जो सभी लोगों पर वो राज्य करने वाला है जलाशय को यहाँ पर पानी दिखाया गया है जन समूह से प्रदर्शित किया गया है जन समूह को यहाँ पर दिखाया गया है इसका मतलब यह है यहाँ पर एक ऐसी चीज आने वाली है जो झूठे धर्म और झूठी धार्मिक पद्धति के दृष्टांत के रूप में यह वैश्य को दिखाया गया है पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ व्याचार किया ये इस बात को दिखाता है कि सारे अन्य जातियों के धर्म जो है अनैतिकता में चले गए थे मतलब उस समय ऐसी घटना होगी कि पूरी जो सृष्टि है पूरी जो दुनिया है वो अनैतिकता में च, चली जाएगी जैसे आज भी हम देखते हैं कि सृष्टि के लोग जो है, वो आनेतिक्ता, आनेतिक्ता की बढ़ रहे हैं उस समय है, उसके ऊपर चलने वाली है और ये केवल शारीरिक अनैतिकता आने, नहीं है ये आत्मिक नैतिकता भी है आत्मिक पतन का भी संपर्क यहाँ पर दिखाया गया है और यहाँ पर लिखा है जो सत्रह पांच में लिखा है सत्रह अधिक पांच वचन में उसने मुझसे कहा जो पानी तूने देखा जिन पर वैश्य बैठी है वे तो लोग और भीड़ और जातिया और भाषाएं हैं जल तो बहुत से पानी पर बैठी है जो बहुत से पानी पर बैठी अर्थात ये पृथ्वी पर के राष्ट्र हैं ये लोग हैं जन समूह है, है विविध भाषा बोलने वाले हैं अर्थात ये मानव जाति को निर्देश करते हुए यहाँ पर दिखाई देती है प्रकाशित वाक्य सात अध्याय नौ वचन में भी ऐसा ही हमें देखने मिलता है वहां परमेश्वर के आत्मा ने एक लाख चवालीस हजार जनों का उपयोग करके सभी राष्ट्र वंश लोग और विभिन्न भाषा बोलने वाले लोगों का बड़ा समुदाय परमेश्वर की ओर आते हुए हम वहां पर देखते हैं और वैश्य का अर्थ ये है ये स्त्री एक जागतिक जगभर है और सर्व राष्ट्रीय लोगों पर इसका वर्चस्व है अर्थात वह उस पर बैठी है इसका मतलब यह है कि वो पूरा उसने सभी चीजों को उसने कंट्रोल कर लिया है पूरी सृष्टि को उसने कंट्रोल कर लिया है एक दिन ऐसा आने वाला है कि वन मतलब एक एक ही गवर्नमेंट होगी एक ही सरकार होगी एक ही चीज ये पूरी पृथ्वी को चलाएगी एक ही जन है जो पूरी पृथ्वी के ऊपर शासन करने वाला है और वह स्त्री जिसे तूने देखा है वह बड़ा नगर है जो पृथ्वी के राजाओं पर राज्य करती है ये एक छत्री जागतिक वर्चस्व को यहाँ पर दिखाती है और ये जो स्त्री है ये स्त्री जो है अब जो स्त्री का भेद जो लिखा गया है वह बेबीलोन कहा गया है यहाँ पर एक एक झूठी ऐसी व्यवस्था को यहाँ पर लाते हुए दिखाई देता है इस स्त्री का धर्म पद्धति का उल्लेख जो है नगर शहर से किया गया है जिस प्रकार प्रकाशित वाक्य अध्याय प्रकाशित वा, वाक्य 21 अध्याय में मसीह ने कलशिया को बादलों पर उठाया जाना उसके दुल्हन को वर्णन करता है पवित्र नगरी का वर्णन करता है नए यरूशलम का वर्णन करता है जो जो स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा वे उसे दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए इन शब्दों से किया गया है प्रकाशित वाक्य अध्याय वचन के अंदर प्रकाशित इक्कीस अध्याय नौ से दस वचन में इसी शब्द का उपयोग यहाँ पर करते हुए हम देखते हैं नगर को स्त्री की उपमा दी गई है बाइबल में जो है स्त्री का संबंध हमेशा आध्यात्मिक वे धार्मिक आंदोलन के रूप में दिखाया गया है स्त्री अच्छे अगर कहा गया है तो मसीह के दुल्हन के रूप में कहा गया है अगर वो स्त्री दुष्ट है तो उसको वैश्य के रूप में दिखाया गया है वो जो वो ये जो वैश्य के रूप में जो स्त्री को यहाँ पर दिखाया गया है वे दुष्ट उसको कहा गया है वे जो उसकी एक, एक दुष्ट धर्म पद्धति को वो सूचित करती है बहुत सा बहुत से पानी पर बैठना मतलब क्या है हमने देखा कि वो पूरे संसार के ऊपर वो राज्य करती है और यहीं पर हम एक चीज को और देखते हैं जिसमें पशु का दृष्टांत यहाँ पर दिखाया गया है सत्रह अध्याय एक से छह वचन में हम जब पढ़ते हैं तो वहां पर एक पशु का दृष्टांत हुआ है पशु के संबंध के विषय में यहाँ पर लिखा गया है वो निंदा का नामों से भरा हुआ है वचन तीन के अंदर उसके साथ सिर है वचन तीन के अंदर उसके दस सींग है वचन तीन के अंदर और जिस पर वह सवार है वचन सात में लिखा है अतः कुंड से निकल कर वह विनाश में पड़ेगा यह वचन आठ में लिखा है पशु के संबंध में इसके विषय में यहाँ पर लिखा गया है और ये पशु जो है सर्वप्रथम हमें प्रकाशित वाक्य तेरह में हमें दिखाई दे देता है ये पशु परमेश्वर के इच्छा के विरुद्ध कार्य करने वाले और वर्तन करने वाले राजा वे राज्य का प्रतीक है हमने उस तेरा अध्याय में देखा है और इसको क्या नाम दिया गया है निंदा के नाम से भरा हुआ इसको कहा गया है यमुना ने देखा 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 कि दुष्टान में से पशु के पांच लक, लक्षण पांच लक्षणों में से पहला लक्षण का अर्थ है देवदूत ने यहां पर बताया नहीं परंतु तेरवा अध्याय में इस पशु के बारे में बताया समय पूर्वी उसका अर्थ विवरण उसने वहां पर कर दिया है उसने उसके बारे में कहा प्रकाशित वाक्य तेरह अध्याय में इस पशु के बारे में वो विवरण करता है करते हुए हमें वहां पे दिखाई देता है यहां पर उसने वर्णन नहीं किया पशु का लेकिन वहां पर हमें वर्णन करते हुए इस बात को दिखाई देता है उसने कहा उसके सिरों पर परमेश्वर के निंदा के नाम लिखे हुए थे बड़े बोल बोलने वाले और निंदा करने के लिए उसे मुंह एक मुंह दिया गया उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला कि उसके नाम और उसके तंबो, अर्थात स्वर्ग के रहने वालों की निंदा करे संसार की सभी शासन व्यवस्था का एक लक्षण परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध चलने वाले सभी शासन व्यवस्था ऐसे ही परमेश्वर की निंदा करते हैं और जो हम देखते हैं कि यहां पे एक शासन व्यवस्था आने वाली है जिसको निंदा के नाम से भरा हुआ है ये किसकी निंदा करने वाला है जो परमेश्वर के इच्छा के विरुद्ध है ना उसके ऊपर ये चलने वाला है ऐसी शासन व्यवस्था को वो यहाँ पर लेकर आने वाला है कि जो पूरी तरह से परमेश्वर के विरुद्ध में चले क्योंकि जो शैतान है ना जो मसीह विरोधी है ना पूरी तरह से परमेश्वर के विरोध में है इसलिए वो ऐसा करेगा कि इसके मुंह के अंदर जो है वो निंदा को बिठाया जाएगा और और यहाँ पर वो क्या करेगा पूरी तरह से अपने हाथों में व्यवस्था को ले लेगा शासन व्यवस्था को ले लेगा और परमेश्वर के विरुद्ध में वो लोगों को करेगा परमेश्वर के विरुद्ध में वो किसी को भी चलने नहीं देगा परमेश्वर के विरुद्ध में वो पूरी तरह से जन समुदाय को वो खड़ा करेगा और परमेश्वर के विरुद्ध में हम देखते हैं वहां पे उसने मोहर को वहां पे लगा दिया उसने वो सिक्कों को वहां पर लगा दिया क्योंकि वो चाहता है कि लोग उसके राहों पर चले लोग उसके उसके अनुसार वो चले और और वो परमेश्वर की निंदा वो करते हुए यहाँ पर दिखाई देगा और और आने वाले दिनों में ऐसा ही होने वाला है अभी भी ऐसा हो रहा है लेकिन जब परमेश्वर उसकी कलश को उठा लेगा सात सात साल का जब समय होगा उस समय तो ये भारी चीज यहाँ पर दिखाई देगी जो पूरे सभी लोग परमेश्वर के विरुद्ध में हो जाएंगे परमेश्वर के विरुद्ध में ये लोगों को करेगा सभी जग जो है पूरे जो लोग होंगे वो एक संघटना करेंगे वो संगठित होंगे और वो अपने ही अपने ही अर, अपने ही व्यवस्था को बनाएंगे और जो व्यवस्था होगी परमेश्वर के विरुद्ध की और यहाँ पर लिखा गया है ये सात सिर सात पहाड़ है जिन पर ये स्त्री बैठी है इस भाग में सात पहाड़ का उल्लेख किया गया है ये सा, ये सात पहाड़ कौन है तो ये सात पहाड़ ये सात राजा को दर्शाया गया है पर्वत और पहाड़ राजाओं का वे राज्य का उल्लेख करता है बाइबल में आप जब पहाड़ के बारे में पढ़ते हैं पर्वतों के बारे में पढ़ते हैं तो ये राजाओं और उनके राज्य का उल्लेख करता हुआ यहां पर दिखाई देता है यशे का किताब दूसरे अध्याय में आप इसका इसको पढ़ सकते हैं कि वहां पर इसको उपमा दी गई है पहाड़ों की और पर्वत की उपमा किसको दी गई है तो राजाओं और उसके राज्य को दर्शाने के लिए वहां पर उसका उल्लेख किया गया है और प्रकाशित वाक्य तेरह में भी के अध्याय अनुसार ये सात पहाड़ जो है ये राजा है पांच तो हो चुके हैं और एक अभी है और एक अब तक आया नहीं और जब आएगा तो कुछ समय तक उसका रहना भी अवश्य है ये ये पांच राजे अर्थात यहोन्ना के समय में रोमी साम्राज्य के पांच राजे हो सकते हैं और उस समय डोमिश दोमि, डोमिशियन वे छठवा राजा था और आने वाला सातवा अर्थात आखिरी समय में आने वाला जो राजा होने वाला है वो मसीह विरोधी होगा वो मसी विरोधी होगा पूरी तरह से वो मसीह का विरोध करने वाला होगा जो पूरी दुनिया के ऊपर वो शासन करेगा जो पशु पहले था अब नहीं है अब वो आठवा है और उन सातों में से उत्पन्न हुआ और वो विनाश में पड़ेगा मसीह विरोधी यही सातवा मस्तक है वो महाक्लेश के मध्य में मृत्यु पाएगा और फिर से जीवंत होकर यशु मसीह के पुनरुत्थान की वो नकल करेगा परंतु तो महाक्लेश के आखिर में उसका विनाश हो जाएगा ये पूरी तरह से सीह के नकल करने का प्रयत्न करेगा वो आज भी वैसे ही करते है। मसी का हुबा हुब नकल करने का वो प्रयत्न करता है और के समय भी ये इसको इसको दुख पहुंचाया जाएगा ये इसका ये पुनरुत्थान होने की नकल करेगा क्योंकि यहाँ पर लिखा है वो पहले था अब नहीं है और फिर से वो उत्पन्न हुआ और विनाश में पड़ेगा इसका मतलब ये है वो पशु पहले था अब नहीं इसका मतलब है कुछ देर के लिए वो गायब हो जाएगा या वो मरने का ढोंग करेगा और फिर से वो उत्पन्न होता हुआ दिखाई देगा वो पूरी तरह से पुनरुत्थान पु, पुनरुत्थान होने का प्रयत्न करेगा जिस प्रकार ये मसीह पुनरुत्थित हुए उसके हु नकल करेगा और वो लोगों को अप, अपने पास में भरमाने के लिए ये सब बातें करेगा लेकिन लास्ट में लिखा है कि उसका विनाश वो में पड़ेगा प्रकाशित वाक्य उन्नीस अध्याय बीस वचन के अंदर लिखा है कि उसका विनाश होगा वो हमेशा का राज्य इसका नहीं होगा ये हमेशा का राज्य नहीं होगा इसका राज्य खत्म होने वाला है ये पूरी तरह से समाप्त होने वाला है एक ही राज्य आने वाला है जो हमेशा का राज्य होगा वो प्रभु

जो दस सिंह तूने देखे वे दस राजा हैं जिन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया पर उस पर पशु के साथ घड़ी भर के लिए राजाओं का सा अधिकार पाएंगे वचन बारह में ये दस सिंह जो है डेनियल अध्याय में डेनियल के दूसरे अध्याय में नबु नबुकेश्वर राजा जो है उसके दृष्टांत में इस बात को हम देखते उसको मूर्ति दिखाई थी उसके पैरों की जो उंगलियां हैं उसके साथ मिलता हुआ देखते हैं उस जो है, प्रकाशित वाक्य तेरा अध्याय के जो पशु के सिंह से ये जुड़े हुए हैं ये जो दोनों भी घटनाएं डेनियल दूसरा अध्याय डेनियल सातवां अध्याय प्रकाशित वाक्य तेरा अध्याय ये जुड़े हुए अध्याय हैं इनको हम अलग नहीं कर सकते ये दस राजा मिलकर मसीह विरोधी का जागतिक राष्ट्र का संघ होगा ये जो दस राजा मिलकर मसीह विरोधी का एक जागतिक राष्ट्र का संघ होगा ये ये एक एक, यू, एक यूनिटी बनाएंगे ये एक अपने राज्य का स्थापन करेंगे उन्हें मसीह विरोधी से सामर्थ्य मिल, मिलेगा ऐसा इस वचन में हम देखते हैं अर्थात उन्हें जागतिक सरकार से खुद कारभार लेने से उन्हें विशेष देशों पर राज्य नियुक्त किया जाएगा इनको अलग अलग राज्य करने के लिए इनको राजा नियुक्त कर करते हुए ऐसा दिखाई देता है ऐसा दर्शाया गया है उनके मन की विचारों की एक जुड़ जो है तेरा वचन में हमें दिखाई देती है वो यहां पर कहते हैं ये सब एक मन होंगे और वे अपनी अपनी सामर्थ और अधिकार उस पशु को देंगे मतलब ये एक मन होंगे एकजुट होंगे और ये अपनी सामर्थ को उस पशु को दे देंगे अर्थात महाक्लेश के समय आखिरी साढ़े तीन वर्ष में वे पशु के साथ सर्वस्वी एकनिष्ठ रहने की व कार्य करने की शपथ लेंगे वो एकजुट होंगे एक मत होंगे एक विचार के होंगे और पूरे 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 संसार के अंदर ये नियंत्रण कर लेंगे और इनका इनका ये साढ़े तीन वर्ष में ये पशु के साथ में क्या करेंगे संबंध को बना लेंगे उनके साथ में एक निष्ठ होंगे एक दूसरे को सहकार्य करेंगे और सहक ऐसा करने के लिए ये एक दूसरे के एक दूसरे शपथ लेने वाले हैं कि हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे और ये ये क्या कर रहे हैं ये मसीह के विरुद्ध में उठे हुए लोग हैं और ये मसीह के विरुद्ध में जो आखिरी लड़ाई है ना आखिरी लड़ाई जो होने वाली है उसके लिए ये पूरी टीम को पूरी सेना को तैयार कर रहे हैं कि वो आखिरी लड़ाई को लड़ सके और ये लड़ाई किसके साथ होने वाली है ये प्रभु यीशु मसीह के साथ में की जो लड़ाई है वो होने वाली है इसलिए ये जितना हो सके सभी को वो और खिस्तावा जा रहा है ऐसा यहाँ पर हमें दिखाई देता है सत्रवा अध्याय तीन और चार वचन में भी जब हम पढ़ते हैं तो ये वही पशु है जो प्रकाशित वाक्य तेरह अध्याय में वैश्य को उस पशु पर बैठी हुई वो देखता है यह जो स्त्री है यहां पे देखिए ये कैसे हुई है यह कि बेजनी और पहने और और कपड़े हुई थी मणियों मोतियों से सजी हुई थी और उनके हाथ में एक सोने का कटोरा था ध्यान से सुनना इन बातों को जो घर्णित वस्तुओं से और उसके व्यभिचार की अशुद्ध आत्माओं से भरा हुआ था उसका पहरावा मणिया मणियों और मोतियों की सजावट और उसके आडम्बरा जो जो आडम्बर मतलब जो दिखावा है उस धन संपत्ति को वो दर्शाती है वो अडंबर करती है वो वो बेजनी कपड़े पहन के वो पहरावा करके मनियों को पहरावा करके मोतियों की सजावट करके वो अडंबर वो दिखावा का वो दिख, वो दिखावा करती है लोगों को फंसाने के लिए लोगों को आकर्षित करने के लिए उसने इस चीज को पहना हुआ है दुनिया के धन की संपत्ति जो है वो आडंबर मतलब दिखावा और अन्य सुख विलास संसार की अवश्य अवश्य आकर्षित कर सकती है आज जो धन संपत्ति है इस दुनिया का जो आकर्षण करने वाली जो इस चीज है दुनिया की लोग उसके ऊपर आकर्षित होते हैं हमें मालूम है पैसे ही आकर्षित करने वाली चीजें की जो चीजें हैं वो आकर्षित करने वाली चीजें हैं और वो दुनिया के अंत के समय भी इस प्रकार हमें दिखाई देता है वो वो ये ये दिखाता है कि वो लोग जो हैं इसकी और आकर्षित होंगे इतने आकर्षित होंगे कि ये इसके भुलावे में आ जाएंगे आज भी धन संपत्ति देखिए आज भी धन संपत्ति की और लोग आकर्षित होते जाते हैं और जितनी और धन संपत्ति क्या करती है लोगों को एक एक पाप में डुबाने का काम करती है हम देखते हैं पैसा ज्यादा होने की वजह से मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि पैसा ना हो पैसा होना चाहिए लेकिन पैसे का जो यूज है आज हम देखते हैं कि लोग किस प्रकार करते हैं पैसे का जो इस्तेमाल है वो किस प्रकार करते हैं आज हम देखते हैं आज अगर हम जब से ज्यादा जो पाप की दुनिया है वो किस पर चलती है पैसों के ऊपर चलती है जो भी जो भी पैसा है जितना भी पैसा है हम उस वे पुत्र के बारे में सुनते जब उसने पूरी संपत्ति ली उसने कहा खोया वो संपत्ति कहाँ पर गमा दिया उसने संसार के अंदर खो दिया पैसा जो है आकर्षित करती है पैसा जब आता है तो और बहुत सारी चीजों को भी वो लेकर आता है जीवन के अंदर पाप में चीजों को लेकर आता है पाप में विचारों को लेकर आता है और ये आकर्षित करने वाली चीजें हैं इस संसार के और क्या है वो है धन संपत्ति है और अंतिम दिनों के अंदर भी यह वैश्य सांसारिक धन संपत्ति और सुख विलास का प्रतीक है यह जो वैश्य यहां पर बैठी हुई जो उसका पहरावा में देखने मिलता है ना वो इस बात को दर्शाती है कि अंतिम दिनों में भी ये वैश्य जो है ये सांसारिक धन संपत्ति और सुख विलास का ये प्रतीक है शैतान का उद्देश्य यही है कि हम अपनी ही महिमा करें जितना भोग विलास संसार में भोग सकते हैं भोगें और आनंद उठाएं। यह बड़ी वेश्या इसी जीवन दर्शन का प्रतीक है ये क्या कर रहे हैं ये पहरावा जो पहना हुआ है ना अपनी ओर आकर्षित करने का पहरावा इसने पहना हुआ है और लोग यही चाहते हैं आज क्या कर रहे हैं लोग इस संसार का सुख विलास भोगने के लिए वो तैयार है हम बहुत बार देखते हैं कि लोग कर्ज निकाल निकाल कर इस संसार का सुख भोग आ, भोगने के लिए वो तैयार हो जाते हैं आज आज हम देखते हैं अगर बाहर की दुनिया को हम देखते हैं लोग फंसे हुए हैं इस आकर्षण में फंसे हुए हैं आज 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 पाप में लोग फंसे हुए हैं आज लोग व्यापिचार में फंसे हुए हैं आज लोग जाड़क्रम में फंसे हुए हैं किस लिए भोग विलास लेने के लिए आनंद लेने के लिए और पैसा खर्चा करते हैं आज देखिए जो रा, जो रात में जो, जो जो कर्म होते हैं वो आप पब देखिए आप डांसिंग देखिए आप आप जुगाड़ देखिए आप जुए के अड्डे देखिए ये सब कहाँ ये ये सब वैभव दिखाती आकर्षित करता है अपनी आकर्षण है ये सब चीजें और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो अंतिम दिनों में ये, प, ये जो स्त्री है जो वैश्य को कहा गया बड़ी वैश्य कहा गया है ये लोगों को अपनी ओर खींचेगी और वो कहेगी आनंद कीजिए भोग विलास कीजिए सुख विलास कीजिए ये सबको फंसाने का काम वो करने वाली है उसके हाथ में क्या है सोने का कटोरा है इस बात को भी जानना जरूरी है वह कटोरा घृणित वस्तुओं से भरा हुआ भरा हुआ था वह कटोरा उसके व्याचार की अशुद्धता से भरा था बाहर से तो वह कटोरा बड़ा आकर्षक दिखाई देता था पर अंदर से वे दुष्टता से भरा था या हमें या, या हमें हम पाप का बड़ा सजीव विवरण यहां पर पाते हैं ये बड़ा ये कटोरा कौन सा है सोने का है यह बाहर से तो बड़ा आकर्षित दिखाई दे रहा है बाहर से तो बड़ा कीमती दिखाई दे रहा है आकर्षण करने वाला दिखाई दे रहा है लेकिन उस कटोरे के अंदर क्या है मालूम है उस कटोरे के अंदर घरित वस्तु है पाप से भरी हुई है और हम देखते हैं आज भी लोग ज्यादा कहां पर खिंचाव है लोगों का वो पाप की ओर खिंचाव है आकर्षण की ओर खिंचाव है आकर्षित हो रहे हैं लोग और यही यही यहां पर हमें मालूम होता है कि अंतिम दिनों के अंदर वो साढ़े तीन वर्ष के अंदर इतनी इतनी अनैतिकता आ जाएगी कि लोग उसमें से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा और ये सैतन वही चाहते हैं मसीह विरोधी वही चाहते इसीलिए उसने इस बड़ी वैश्य को लाकर उसने खड़ा कर दिया है सत्रह पांच में यहां लिखा है उसके माथे पर यह नाम लिखा था भेद बड़ा बेबीलोन पृथ्वी की घृणित वस्तुओं की माता ऐसा यहां पर लिखा है वह रश्यम पूर्ण बेबीलोन था वह शाब्दिक बाबिल नहीं है पर वो जो, जो प्रतीक है, जो चिन है उसके रूप में को दिखाया गया है बाबिल के बारे में हमने पहले भी वो देखा गया था अब पिछले वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं कि बेबीलोन क्या था उसका उगम कहाँ पर हुआ उसका उगम स्थान क्या था और वह कैसा वह कैसा उत्पन्न हुआ इसके बारे में पिछले वीडियो में हमने बताया था